सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी सैटेलाइट टीवी कनेक्शंस की जगह ओटीटी एप्स ने ले ली है, इसीलिए आजकल स्मार्ट टीवी डिमांड में है और मैं हर साल आपके लिए न्यू टीवी मॉडल्स के रिव्यू करता रहता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एलजी का लेटेस्ट 32 इंच स्मार्ट टीवी, जिसका मॉडल है 32LQ640BPTA। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड ऑडियो वीडियो टेस्ट। और सबसे बड़ी अपग्रेड वाली बात ये रहने वाली है कि एलजी ने पहली बार 32 इंच टीवी में बेजल टीवी लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इस टीवी को लेकर मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। इस टीवी की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और जो बॉक्स में एमआरपी दी हुई है वो है 33,990 रुपीज। वीडियो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ये कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट में काफी सारा पेपर वर्क दिया हुआ है जिसे आप चाहो तो रीड कर सकते हो। और प्रीमियम क्वालिटी के टेबल टॉप स्टैंड मिल जाते हैं। टेबल टॉप स्टैंड के लिए स्क्रू और एक प्रीमियम क्वालिटी का ट्रेडिशनल रिमोट मिल जाता है और रिमोट के लिए बैटरीज। तो इस टीवी के टेबल टॉप स्टैंड को असेंबल करके सेटअप करते हैं और फिर बाकी करते हैं सारे टेस्ट। तो इस टीवी का मैंने सेटअप कर लिया है और इस टीवी की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है। प्रीमियम क्वालिटी की हार्ड प्लास्टिक यूज की गई है और फ्रेंड्स आप देख सकते हो डिजाइन। यार पर्सनली मैं एलजी से काफी खुश हूं कि इस बार 2023 में बेजललेस टीवी लॉन्च किया है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको भी पता है कि अदर ब्रांड के 32 इंच में काफी टाइम पहले ही बेजललेस टीवी आ रहे थे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं डिस्प्ले पे देख पा रहा हूं, स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है तो पैनल पे स्क्रेच भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स यार डिजाइन मुझे काफी अच्छी लगी। इसी के साथ इस टीवी के पोर्ट्स देख लेते हैं। तो 3 HDMI पोर्ट दिए हुए हैं जिसमें से एक EARC को सपोर्ट करता है और 2 USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहां LG ने 2023 में काफी बड़ा इंप्रूवमेंट किया है। अगर मैं प्रीवियस टीवी से कंपेयर करूं तो वहां एक USB पोर्ट और 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलते थे। और फ्रेंड्स आपको भी पता है कि यार 2 USB पोर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि आजकल यार एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी आप लगा सकते हो, पेन ड्राइव भी लगा सकते हो, तो यार पोर्ट्स तो बनते हैं। और इस टीवी में ऑडियो वीडियो के लिए सेपरेट पोर्ट्स दिए हुए हैं। अगर मैं कंपेयर करूं प्रीवियस टीवी से तो वहां AV इनका सिंगल पोर्ट देखने को मिल रहा था, तो आपको RC केबल बाय करने की जरूरत थी। तो फ्रेंड्स वहां भी आपको पता है 300-400 रुपए की वो आती है और आपको पता है वो अधिकतर ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहती है, वो खराब भी जल्दी हो जाती है। लेकिन इस टीवी में सेपरेट पोर्ट्स दिए हुए हैं, डिजिटल ऑडियो आउटपुट दिया हुआ है और फ्रेंड्स साथ ही आपको RJ45 पोर्ट भी मिल जाता है जिसे लैन पोर्ट भी बोलते हैं, और केबल कनेक्शन के लिए एंटीना पोर्ट भी मिल जाता है। और फ्रेंड्स इस टीवी में एक और चेंजेस देखने को मिल रहा है, इस बार पावर केबल को डायरेक्ट टीवी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताना, प्रीवियस जो टीवी आ रहा था उसमें कनेक्टर दे रहे थे और इसमें डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है, तो बेस्ट कौन सा रहने वाला है। और फ्रेंड्स आपको भी पता है कि एक टीवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्प्ले ही रहती है, तो इस टीवी में 32 इंच की HD डिस्प्ले दी हुई है और फ्रेंड्स पैनल आपको VA पैनल देखने को मिलेगा जिसका रेजोल्यूशन 1366x768 दिया हुआ है। 60Hz की रिफ्रेश रेट दी हुई है। और फ्रेंड्स अगर मैं डिस्प्ले के अदर फीचर्स की बात करूं तो इसमें पिक्चर प्रोसेसर दिया हुआ है Alpha 5 AI प्रोसेसर 5th जनरेशन का, जो फ्रेंड्स वीडियो को काफी हद तक एनहेंस कर देगा और साथ ही इसमें HDR, HDR10, HLG का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आप वीडियो साइड से भी देखोगे तो आपको नेगेटिव भी नहीं दिखेगा। ओवरऑल क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लग रही है जिस प्राइस पे ये टीवी आ रहा है। और इस टीवी में 8 पिक्चर मोड दिए हुए हैं जिसको जैसा कंफर्ट लगे वैसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और फ्रेंड्स पर्सनली मुझे स्टैंडर्ड मोड काफी अच्छा लगता है, और अगर आपको कलर ज्यादा देखने हैं तो विविड मोड में देख सकते हो, और अगर किसी को गेमिंग करनी है तो इसमें गेमिंग मोड भी दिया हुआ है और साथ ही HGIG का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स PC से कनेक्ट करके इस टीवी में आप गेम प्ले कर पाओगे। और फ्रेंड्स इस टीवी के स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो फ्रेंड्स कहीं भी रैम और स्टोरेज मेंशन नहीं है। अब यार कंपनी को बताना चाहिए कि इसमें कितनी रैम है, कितना स्टोरेज है। और फ्रेंड्स इसमें वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 दिया हुआ है। 2-way ब्लूटूथ का भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा। फोन के ऑडियो को आप टीवी में, टीवी के ऑडियो को आप स्पीकर में शेयर कर पाओगे। और फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है LG का WebOS। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है फ्रेंड्स, मैं पिछले 5 साल से LG का टीवी यूज कर रहा हूं और अभी तक मुझे LG के WebOS में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और इस टीवी को मैं जैसे एक्सेस कर रहा हूं तो मुझे
मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, बिल्कुल स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ फ्रेंड्स इस टीवी के ऑडियो की क्वालिटी भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। 16 वोट के डाउन फायर स्पीकर दिए हुए हैं, तो देखते हैं ऑडियो की क्वालिटी कैसे सुनने को मिलती है। अभी मैंने आपको ऑडियो की क्वालिटी टेस्ट कराई, ऑडियो की क्वालिटी पर्सनली यार मुझे 20 वोट के स्पीकर जैसे ही सुनने को मिली, और साथ ही इसमें AI का सपोर्ट भी मिल जाता है, इसी वजह से ऑडियो की क्वालिटी काफी अच्छी सुनने को मिल रही है। और यह है इस टीवी का होम डैशबोर्ड, यहाँ से आप सारे इनपुट सोर्स को कनेक्ट कर पाओगे। और फ्रेंड्स अगर आपके घर में होम IT डिवाइस है जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, AC, सारे डिवाइस को आप इस टीवी से पेयर कर पाओगे। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो नीचे की तरफ है सारी हाईलाइट OTT एप्स देखने को मिल जाती है, Netflix, Disney Plus, Hotstar, Prime Video, YouTube और वगैरह वगैरह काफी सारी एप्स दी हुई हैं। और साथ ही इस टीवी में Apple AirPlay का भी सपोर्ट मिल जाता है। और फ्रेंड्स ये टीवी Apple AirPlay को भी सपोर्ट करता है। और फ्रेंड्स अगर आप फोन को पेयर करना चाहते हो तो Android और iOS दोनों को कर पाओगे। तो फ्रेंड्स टीवी के बाद में रिमोट पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो रिमोट दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, ट्रेडिशनल रिमोट दिया हुआ है और कुछ हाईलाइट की दी हुई है डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। और फ्रेंड्स नॉर्मल सा रिमोट ये है। अगर आपको मैजिक रिमोट की नीड है तो फ्रेंड्स आप LG के टोल फ्री पे कॉल करके मैजिक रिमोट भी बाय कर सकते हो। जहां तक मुझे पता है वो 1500 या 2000 के आसपास मिलेगा, इस टीवी के साथ मैजिक रिमोट पेयर कर पाओगे। और फ्रेंड्स ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर LG ने 32LQ570 एक मॉडल लॉन्च किया था, उस टीवी के साथ मैजिक रिमोट पेयर नहीं कर पाओगे। काफी सारे मुझे कमेंट्स भी देखने को मिले, कई यूजर्स मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि इस टीवी के साथ हमने मैजिक रिमोट अलग से बाय किया है लेकिन वो टीवी के साथ पेयर नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 32LQ570 उस टीवी के साथ मैजिक रिमोट पेयर नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये था इस टीवी का ओवरऑल रिव्यू। मुझे पर्सनली इस टीवी की डिजाइन काफी शानदार लगी और अभी मैंने आपको ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी टेस्ट कराई। ऑडियो की क्वालिटी यार पर्सनली मुझे काफी अच्छी सुनने को मिली, 16 वोट के स्पीकर दिए हुए हैं। वीडियो की क्वालिटी का और इंप्रूवमेंट कर सकती थी कंपनी अगर इसमें IPS डिस्प्ले मिल जाती। हालांकि मैं आपको बता दूं अगर इसमें IPS डिस्प्ले होती तो फिर प्राइस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलती। अगर मैं इस टीवी की अगर प्राइसिंग की बात करूं तो अभी LG की ऑफिशियल साइट पे लिस्टेड है 18,000 में। और फ्रेंड्स आपको पता है दिवाली की सेल आने वाली है तो उसमें काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स देखते हैं अभी LG ने 32 इंच में ये वाला मॉडल लॉन्च किया है और अगर नेक्स्ट जैसे ही न्यू मॉडल मार्केट में आते हैं तो उनसे मैं इस टीवी को कंपेयर भी करूंगा कि बेस्ट टीवी कौन सा रहने वाला है। और फ्रेंड्स अगर आपको इस टीवी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको किसी और धमाकेदार टीवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।